दुग्गल और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के पंसाली गांव में। पंसाली ऐसी जगह है जहां हर तरह का, हर कैटेगरी का जो है वो इंसान यहां रहता है, जिसमें मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास सभी आते हैं। यहां बीती रात, मतलब कि 16 तारीख की रात को, इस घर के अंदर, ये घर जिस घर के मैं बाहर खड़ी हूँ, CN867, इस घर के अंदर रात को कुछ चोरों ने, बदमाशों ने घुसकर चोरी की। चोरी इस तरीके से की गई कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, इस परिवार के जो लोग हैं, उनका कहना है कि हो सकता है किसी की साजिश से की गई है। आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ किस तरह से, क्योंकि परिवार घर में ही मौजूद था, लेकिन ये जो चोरी हुई है वो नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे हुई है। ग्राउंड फ्लोर पर उस टाइम कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि इस परिवार के जो सदस्य हैं वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर सोते हैं, नीचे नहीं सोते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की। दिखा देते हैं आपको, ये मेन गेट है, इस मेन गेट से अंदर चोरों ने आकर जिस तरीके से चोरी की है, ये मंदिर है इस घर का। इस मंदिर के अंदर जो पैसे रखे थे, पैसे भी पूरे यहाँ से चोरों ने साफ कर लिए। दूसरी चीज आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कमरे की हालत, इस घर की हालत आपको दिखा देते हैं, किस तरह से आराम से पूरा सामान उन्होंने निकाला है। एक एक सामान सारे बिस्तर पे और अलमारी का सामान सारा फैला हुआ है। चोरों ने कोई जल्दबाजी नहीं की है, जिस तरह से सामान फैला हुआ है, कोई जल्दबाजी में चोरी नहीं की गई है, बड़े आराम से उन्होंने चोरी की है, क्योंकि उन्हें पता था, जहां तक बताया जा रहा है, जिस तरीके से हमें सुनने में आ रहा है कि जैसा कि परिवार के लोग फर्स्ट फ्लोर पर सोते हैं, नीचे नहीं सोते हैं, तो हो सकता है कि किसी ने किसी की साजिश के थ्रू ये काम किया। देखते हैं इस कमरे में, यहाँ टीवी भी लगा हुआ था, ये इस दीवार पर आप देख सकते हैं, इस दीवार पर टीवी लगा था, स्क्रीन टीवी जो यहाँ लगा हुआ था उसे खोला गया है, और ये उस टीवी का सेटअप बॉक्स यहाँ पड़ा हुआ है। सेटअप बॉक्स यही पड़ा है, सिर्फ टीवी ही वो लोग निकाल कर लेकर गए हैं। परिवार के कुछ लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपकी बात, आप जिस टाइम रात को यहाँ चोरी हुई उस टाइम आप कहाँ थे? हम लोग ऊपर थे और पर हम सो चुके थे, दो बार आए भी तो उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। किस टाइम आप नीचे आए? टाइम आए थे 11:30 बजे, 11:30 के करीब आप नीचे आए थे जब सब कुछ ठीक था। हाँ जी। अच्छा, आप ऊपर कल ही सोए थे क्या, हमेशा ऊपर सोते हैं? नहीं नहीं, दो चार दिन से, एक्चुअली ना अभी हमारे घर में फंक्शन था, तो फंक्शन के लिए सब आए हुए थे, तो हम ऊपर ही सोए थे दो चार दिन। अच्छा, फंक्शन था लड़का हुआ था मेरा, अच्छा बेटा हुआ था, उसका फंक्शन था। अच्छा, तो क्या क्या गया है आपका, कैश कितना है, कितना किसी पर कुछ शक? शक है, हमारे घर के दो चार घर छोड़ के रहते हैं, उनके घर में से हमारे को एक रिंग मिली है और आगे भी। आपकी रिंग उनके घर में मिली है, तो वो बरामद किसने की? उनके हस्बैंड ने, वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने निकाल के रखी है। कहाँ से निकाल कर रखी? हमारे यहाँ से लेके गए वो सामान। अच्छा। चुरा कर, उसके बाद हमने जब उनके ऊपर शक करा, उनके घर में जाकर देखा, तो उस वहाँ से सिर्फ हमें, हमारे सिर्फ एक रिंग ही मिली। आपको मतलब रिंग बरामद हो गई है? हाँ जी। आपने कंप्लेंट की थाने में? हाँ जी, कंप्लेंट की है, आपने? वो काम कर रहे हैं पर बहुत स्लो है। कौन से थाने में कंप्लेंट की आपने? बेगमपुर के थाने में। तो वहाँ से कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? अभी तक तो कार्रवाई कह ही रहे हैं कि कर रहे हैं, आगे उनको पता है वो कैसी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को उन्होंने, जैसा कि आप बता रहे, जिन पर शक है उनको कितना मतलब उठाया, उन्होंने बंद किया है? उठा के तो लेके गए थे। अब उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पूछताछ हो रही है, नहीं हो रही, ये नहीं पता। देखा आपने किस तरह से बड़े सफाई से फैमिली को कानों कान भनक तक नहीं लगी, चोर ताला तोड़कर अंदर घुसे, अलमारी तोड़ी, टीवी निकाला, कैश उठाया, ज्वेलरी उठाई, मंदिर से पैसा उठाया, मतलब घर से ज्यादातर सामान साफ, ऐसी कितनी सफाई से उन्होंने पूरा सामान आधा घर ही साफ कर दिया, और घर वाले जो थे वो आराम से सोते रह गए, उन्हें पता तक नहीं लगा। दूसरी पॉइंट नोटिस करने वाली ये चीज है कि जब इन्होंने, इनके दो घर छोड़ के किसी पे शक था, उनके घर में ये लोग गए और वहां पर इनने अपनी ज्वेलरी की एक रिंग उस घर से बरामद हो गई। इन्होंने बेगमपुर थाने के अंदर FIR भी कराई, FIR के बेस पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया। हम अभी बेगमपुर थाने से ही आ रहे हैं, वहां पर हमने SHO साहब से और IO साहब से मिलने की कोशिश की, मगर हमें बताया गया कि IO साहब कोर्ट गए हैं और SHO साहब सिंधु बॉर्डर पर जो है उनकी ड्यूटी लगा रखी है, वो वहां पर है। सारा मामला
ये कहा जाए कि यहाँ जब सीसीटीवी फुटेज को छानने की कोशिश की गई तो कोहरे की वजह से उसमें जो फुटेज है वो क्लियर नहीं आ रही थी, मगर शक के बिना पर जिन लोगों को उठाया गया उन लोगों के घर में ज्वेलरी की एक रिंग बरामद हो गई। मतलब साफ है कि चोर कौन है। कैमरामैन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज़।